नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका मित्र राजेश मलिक एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वास्थ्य की बात लेकर आया। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य बढ़कर है, क्योंकि जो आपका मन है वो आपका ड्राइवर है। यदि ड्राइवर बीमार है तो ये मानकर चलें कि शरीर भी बीमार ही है। हम रोजाना हर समय कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जिससे हमारा मन जो है अस्वस्थ रहता है। हमें हालांकि सरफेस पे यानी कि हमें ये महसूस नहीं होता कि हम ऐसी क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा मन अस्वस्थ है, लेकिन वो अस्वस्थ हो जाता है क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से हमारे ही अंतःकरण में विद्यमान रहता है। दोस्तों, एक इसको एक बहुत ही एक अच्छी छोटी सी स्टोरी है उसके माध्यम से हम समझते हैं। एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध एक कस्बे के अंदर प्रवचन कर रहे थे, तो जो सुनने वाले थे बहुत ही शांति से बुद्ध की वाणी सुन रहे थे। सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कुछ देर तक उनको सुनता रहा। स्वभाव से बड़ा क्रोधी व्यक्ति था वो, और उसको ऐसा लगा कि ये बुद्ध की जो बातें हैं एकदम बेतुकी हैं। कुछ देर सुनने के बाद एकदम से अचानक उठा और क्रोधित होकर बोला कि तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो, जन जन समुदाय को भ्रमित कर रहे हो, लोगों को आप पागल बना रहे हैं। तुम्हारी ये बातें आज ना प्रासंगिक हैं और ना ही कोई मायने रखती हैं। ये कटु वचन सुनकर भी गौतम बुद्ध एकदम शांत रहे। उसकी बातों से वे ना तो दुखी हुए ना ही कोई उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये देखकर वह व्यक्ति और आग बबूला हो उठा। वह एकदम बुद्ध के मुंह पर कड़वे वचन बोलकर वह चलता बना। जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो वह बुद्ध के प्रति अपने इस बुरे व्यवहार को लेकर पछतावे की आग में जलने लगा। दूसरे दिन वह प्रवचन के स्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां बुद्ध नहीं थे। बुद्ध तो अपने शिष्यों के साथ पास वाले गांव की ओर विहार कर चुके थे। वह बुद्ध को ढूंढते उसी गांव में पहुंचा जहां पर वे प्रवचन दे रहे थे। वहां पर जाकर बुद्ध को उसने देखा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे कृपा करके महात्मा जी क्षमा कर दें। बुद्ध ने पूछा, अरे कौन हो भाई, क्यों क्षमा मांग रहे हो? उसने कहा कि आप भूल गए हैं, मैं वही हूं जिसने कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने दुष्ट आचरण के लिए, आपसे क्षमा याचना करने आया हूं। भगवान बुद्ध ने उसके कंधे पर बड़े प्रेम से हाथ रखते हुए कहा, भाई बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया, तुम अभी भी वहीं अटके हुए हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, बस तुम निर्मल हो चुके हो, अब तुम वर्तमान में प्रवेश करो। बुद्ध बोले, बुरी बातें बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान यानी कि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को खराब मत करो। उस व्यक्ति के मन से सारे का सारा बोझ उतर गया। उसने बुद्ध के चरणों में पड़कर क्रोध ना करने और क्षमाशील बनने का संकल्प लिया। बुद्ध ने उसके सिर पर आशीष का हाथ रखा। उसी दिन से उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया और वह सबका प्रिय हो गया। तो दोस्तों, हम भी सीखें कि व्यक्ति को पृथ्वी की तरह यानी कि धरती माता की तरह सहनशील तथा क्षमाशील बनना चाहिए। गुस्सा तो शांति और स्वास्थ्य का शत्रु है, हम ये सभी जानते भी हैं, पहले भी हम कई बार बातें करते रहते हैं इसके विषय में। इसलिए इसे कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। यह एक ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला तो जलेगा ही, साथ में जो उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो भी जलते रहेंगे। दोस्तों, क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से ही जीता जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। थोड़ा सा इसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें और आप पाएंगे कि हमारे अंदर जो संस्कार रखे हुए हैं ना, वो कभी ना कभी हम भी ऐसी अग्नियों के अंदर जले हैं या निरंतर जलते रहते हैं। उनसे वो हम सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठ जाते हैं और फिर जब हम बातचीत करते हैं अपने व्यवहार के अंदर, वो वही चीज़ें हमारे अंदर से निकल के आती हैं।
और जिसकी वजह से हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, बस इतना ही समझने की हमें आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर करें, ताकि सभी के जीवन में परिवर्तन आ सके। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, जय श्री राम।